दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सवलन की एपिसोड 210 के पार्ट 1 पर, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होती है दोनों जानवर दामिंग और अर्मिंग बिबिदुंग उसकी सोल मास्टर बसते हुए जंगल में काफी ज्यादा डीप आ चुके होते हैं, मगर उसके साथ ही बिबिदुंग के पायदान का असर काफी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों अपनी डेथ के स्टेज तक पहुंच चुके होती है। इस वीडियो में हम देखते हैं बिबिदुंग उसके सोल मास्टर इन्हें घेरी होती है, जिससे नेक्स्ट वीडियो में हमें टैंगसन शव को दिखाया जाता है। ये दोनों इसके पास ही होती है। टैंगसन कहता है यहाँ पर 6 लोग है, हालांकि हमने बॉडी के छुपाने की टेक्निक उसको पता नहीं चल सकती। बिबिदुंग को थोड़ी देर के लिए ट्रिक कर सकती है। शव कहती है अगर अभी भी हम लोग डायरेक्टली दामिंग और अर्मिंग को बचा नहीं सकते, अभी के लिए हमें क्या करना है। इसी से नेक्स्ट सीन में हमें दामिंग अर्मिंग सारे सोल मास्टर के साथ फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर ड्रैगन एल्डर अपनी एक्टिव सोल बॉडी को एक्टिवेट करता है और अर्मिंग के ऊपर अटैक कर देता है। और इसके साथ ही हम नेक्स्ट टू में देखते हैं बिबिदुंग अपनी माइंड ब्लॉक टेक्निक को एक्टिवेट करती है, ताकि ये दोनों मास्टर अपनी सैक्रिफाइस न कर ले। इसके साथ ही दामिंग कहता है इस महिला की माइंड वार टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है, आखिर हम लोग अपने आप को किल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए इनके सामने मरने से ज्यादा अपने आप मार लेना था। जिसके साथ ही हम टैंगसन को दिखाया जाता है, जो कि दोनों ही प्लान कर रही होती है। टैंगसन कहता है मैं अपनी पर्पल गॉड लाइट से बिबिदुंग के दामिंग और अर्मिंग के पर हुए माइंड अटैक को रोकूंगा, और उसके बाद में देखूंगा यहाँ पर कितना ज्यादा डेंजरस है। उसके बाद में सारे पांचों ग्रैंड सोल मास्टर को सी गॉड लाइट से वहाँ पर ही रोकूंगा। अभी के लिए बात ये है हमारे पास वक्त नहीं है, जिसकी वजह से मैं टेक्निक को नहीं बना सकता, और जितना जल्दी हो सके मैं उन सारे सोल मास्टर के साथ करते हुए दामिंग अर्मिंग को यहाँ से लेकर भाग जाना, मैं उन लोगों को रोक लूंगा। अभी के लिए मुझे पूरी उम्मीद है मेरी ब्लू सिल्वर प्लांट की मदद से बिबिदुंग के पास अभी के लिए फाइट कर सकता हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे तुम्हारे लोकेशन पता ना चले। तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से इन दोनों को लेकर भाग जाना, शाओ कहती है। हालांकि अभी तुम्हारी पावर बढ़ चुकी है, मगर फिर भी तुम अकेले सबको कैसे संभालोगे, ये काफी ज्यादा डेंजरस है। टैंगसन उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं इसे इजीली संभालूंगा। इसी से नेक्स्ट सीन में हमें बिबिदुंग को दिखाया जाता है, जो कि कहती है तुम दोनों अपनी लाइफ अभी के लिए मुझे दे दो। इसके साथ ही हमें एक आवाज आती है पर्पल लाइट गॉड, ये कहकर बिबिदुंग के ऊपर अटैक कर देता है। इसके साथ ही बिबिदुंग कहती है यहाँ पर कोई एनिमी मौजूद है, जिसके साथ ही हम देखते दामिंग को कहता है ये और टैंगसन शौक की है। और इसके साथ ही हम आ जाते हैं बिबिदुंग के ऊपर, जो की कहती है मेरी की पावर की मदद से दोनों मास्टर के माइंड के पावर को लॉक किया था, अभी के लिए वो इससे बाहर हो चुकी है। इसी से नेक्स्ट सीन में हम देख गोस्ट मास्टर को उनके साथी ने मिलकर अपनी फ्यूजन स्किल को यूज करने लगती है। ये दोनों इस टेक्निक को एक्टिवेट करने ही वाली होती है। उसके साथ ही टैंगसन उसे कहता है ऐसा सोचना भी मत, एक कहकर टैंगसन अपनी सी गॉड लाइट को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से गोस्ट मास्टर का बॉडी जलने लग जाता है। इसे देखने के बाद सारे सोल मास्टर टैंगसन के ऊपर अटैक करने लगती है, मगर इसके साथ ही दामिंग और अर्मिंग ने अपनी टेक्निक की मदद से उन्हें उसी जगह पर जाम कर लेते हैं। टैंगसन अपनी ब्लू सोल केस की मदद से इनको फंसा देता है। बिबिदुंग कहती है मेरी माइंड पावर डेथ पील्ड पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, मेरी बॉडी भी इनसे दूर आ चुकी है। इसके बाद गोस्ट मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि इस रोशनी से बचकर भाग रहा होता है, जो कि कहता है ये लाइट मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, मैं इसे दूर ही नहीं कर पा रहा, अभी के लिए इस लाइट की वजह से मैं तंग आ चुका हूँ। टैंगसन उसे कहता है कोई भी शक नहीं, ये सीनियर चिंगमिंग की लाइट हो या फिर शी गॉड की लाइट हो, तुम्हें इससे भाग नहीं सकते। गोस्ट मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसके साथ टैंगसन के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर टैंगसन अपनी सी गॉड ट्रेन को बाहर निकालता है, जिसे देखकर साले सोल मास्टर हैरानी से कहती है आखिरकार ये वेपन क्या है। जिसके साथ ही हम आ जाते हैं बिबिदुंग के ऊपर, जो कि उसको के आंदोलन एक लेटर भेजा था, इसमें कह रहा था श्रक अकाडमी में सेवन मास्टर मेन लैंड तक आ चुके, इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल टैंगसन है, जिसकी वजह से हमारा सिलो सिटी का प्लान भी फेल हुआ है, और उसकी पावर भी इसी ग्रैंड सोल मास्टर से कम नहीं। उसके पास एक गॉड की वेपन भी है, जिसका नाम है सी गॉड ट्राइडेंट। इसके बाद हमें देखते हैं गोस्ट मास्टर को, जो कि टैंगसन अपनी सी गॉड वेपन से बिना किसी देरी के अटैक कर देता है। टैंगसन कहता है इविल एनर्जी डार्कनेस की प्रोटेक्शन के अंदर कुछ ही देर के लिए रह सकती है, उसके बुरे काम के लिए उसको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। टैंगसन इसे पूरी तरह से किल कर देता है। ये देखकर फ्लावर ग्रैंड सोल मास्टर रोने लग जाता है। यहाँ पर गोस्ट मास्टर मरने से पहले कहा था मेरे लिए फिक्र मत करो, अपने आप को जिंदा रख लो। इसी सीन में हमें फ्लावर ग्रैंड सोल मास्टर को अपनी विजन में देखा जाता है। गोस्ट मास्टर के मुंह से काफी ज्यादा सैड हो जाता है, जिसके बाद गोस्ट मास्टर के बॉडी से एक सोल बो निकल कर आती है, जिसे टैंगसन पकड़ लेता है। इसके बाद टैंगसन अपनी ब्लू सोलर प्लांट की मदद से इन दोनों जानवर को छुपा कर जाने लगता है। यहाँ पर टैंगसन अपनी वेस्ट पिरामिड का एक टेक्निक भी यूज करता है। यहाँ पर शी गॉड की लाइट की मदद से इन सारे सोल मास्टर को जगड़ लेता है, जिसके साथ ही एक सोल मास्टर कहता है टैंगसन की ऑरा इन दोनों जानवर की ऑरा अभी के लिए एक टोटली जा चुका है, हम लोग इसे ट्रैक भी नहीं कर सकते। यहाँ पर बिबिदुंग काफी परेशान में होती है, कहती है टैंगसन तुम यहाँ पर बचकर कभी भी भाग नहीं सकते। ये कहते ही वो अपनी स्पिरिट बॉडी को एक्टिवेट करती है, जहाँ पर टैंगसन की डोमेन बिबिदुंग की डोमेन एक दूसरे के साथ टकराते हैं। ये देखकर सारे सोल मास्टर हैरान थे, जिसके साथ यहाँ पर स्पेयर मास्टर कहता है जब किसी दो डोमेन एक दूसरे के टकराते हैं ये देखने में काफी ज्यादा ग्रेट होती है। दोस्तों यहाँ पर होता है हमारे सोल एंड की एपिसोड 210 के पार्ट 1। तो दोस्तों वीडियो कैसे थे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।